हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खबर निकल के आ रही है, केवल इन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। चल भाई, वीडियो बीच में इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे तो उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले आप ये अपडेट देख लीजिए। छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज कल या परसों किसी प्रकार का कोई भी परिणाम आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास जारी है। तो पीजीटी के प्रवक्ता मतलब पीजीटी के 11 विषयों के जो रिजल्ट बचे हुए, मतलब कि हालांकि आपका पीजीटी के 12 विषयों का रिजल्ट देखने को आपको मिल चुका है, तो पीजीटी के 11 विषयों का रिजल्ट आपको 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगा तथा टीजीटी के समस्त विषयों का रिजल्ट आपको 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी खबर यहाँ पर निकल के आ रही, 25% वेटिंग लिस्ट बनेगी इस बार। हालांकि हर बार 10% पर वेटिंग लिस्ट बनती थी, तो वेटिंग लिस्ट में भी अगर आप आ गए, फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, तो वेटिंग लिस्ट में अगर आप लोग आ गए तो आप लोगों के भी इस बार बहुत चांस है आप लोगों के सिलेक्टेड होने के। चलो भाई, अब दूसरी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं, ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो दोस्तों, तो अगर आपके, मैं कुछ सब्जेक्ट यहाँ बताऊँगा जिनकी विषयों की कटाव आपकी बहुत ही कम जाएगी, अगर ये विषय अगर आपके हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट है आपका साइंस, ठीक है, मैं इसकी कटाव भी बता दूँगा आपको, ठीक है। आप लोग साइंस की कटाव इस बार जनरल की 82 क्वेश्चन जाएगी, ठीक है, और EWS OBC की आपकी मान लीजिए 80 जाएगी, ठीक है, दो दो आप कम कर सकते हैं, 78 आपके SST कास्ट की जाएगी। और इस बार की मैथ की भी आप लोग समझ सकते हैं, इस बार दूसरा विषय आपका मैथ का है, ठीक है। मैथ में क्या है, जनरल में आपका अगर 81 क्वेश्चन किए तो आपका हो जाएगा, फिर आप 2 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन किए EWS OBC में तो हो जाएगा, और 76-77 क्वेश्चन आपने किए तो SST कास्ट में मैथ से हो जाएगा। ये दो विषयों की कटाव मैंने बता दी, इनकी कटाव इस बार बहुत ही कम जाएगी, इसका रीज़न भी बता देंगे, प्रूफ भी दिखा देंगे, ठीक है। तीसरा आपका हिंदी है, ठीक है, तीसरा हिंदी आपका जनरल से, अगर आपने हिंदी से 83 क्वेश्चन किए तो आपका हो जाएगा, फिर आप 81 EWS OBC में कर सकते हैं, और 79-79 क्वेश्चन SST कास्ट में कर सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, पिछली बार इंग्लिश की 85 गई थी आपकी, ठीक है, तो इस बार जनरल में मान लीजिए इस बार 83 क्वेश्चन तक हैं तो आपका हो जाएगा, इसमें 81 क्वेश्चन तक, इसमें 78 SST कास्ट में, तो आपका इंग्लिश से हो जाएगा। ये चार सब्जेक्ट मैंने इसलिए बताए क्योंकि इसका जो पेपर था बहुत ही हार्ड रहता है, तो आप किसकी कटाव इस बार बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी। चलो भाई, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एक आप लोग लाइक नहीं करते हो, एक लाइक कर लेना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि TGT PGT की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलती है।